press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मेलवीआर रहता था और ये नोएडा सेक्टर 20 रहते थे. तो इनके जो बड़े जो ब्रदर हैं, जो चाचा के लड़के हैं, ताऊ के लड़के हैं, तो एक्चुअली उन्होंने कहा था उनकी हुई थी शादी है क्या कि उनकी भी लव मैरिज ही थी. तो उनकी एक पार्टी हुई थी, तो पार्टी में ये मुझे ऐसी दिखी और मैं एज अ फ्रेंड उनके भाई की पार्टी दे रहा, तो मैं चला गया. तो हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, अट्रैक्शन दोनों साइड से था, ऐसा नहीं कि एक साइड से ही था. तो ये भी देख रही है, मैं भी देख रहा हूँ. नॉर्मल ये है कि एक लड़का होता है कि अपना कि कैसे कहते हैं भाई, लड़का तो आपको पता ही है सर कि लड़का तो पता ही आपको भी कैसा होता है कि लड़की अब देख रही है तो लड़का कहेगा यार कहते हैं ये लड़की सेट हो जाएगी, हैं बड़ी उससे देख रही है. तो एक्चुअली उस टाइम मैं था भी ऐसे ही फ्लैटी टाइप का था, सेट एज भी नहीं थी ना उस टाइम, एज भी नहीं थी हमारी, मेरी तो एज ज्यादा नहीं थी उस टाइम, एज मेरे से 14 इयर्स. हां जी, मैं 19 का था, 19 का. तो बस अट्रैक्शन ही था कि हां भाई ठीक है एज अ फ्रेंड बने. और फिर उसके बाद एक्चुअली क्या होता था कि उस दौरान कम्युनिकेशन होते थे, होने तीन तक आता घर के अंदर एमटीएल का फोन लगा हुआ था. तो नंबर दिया, इन्होंने मुझे शाम को फोन किया और शाम को फोन करके मुझे बोला कि हाँ. और मैंने कभी भी किसी से बात नहीं करी, मैं मोबाइल में किसी से बात ही नहीं करती, यहाँ तक कि अपने स्कूल फ्रेंड्स को भी मैंने कभी कॉल नहीं किया, कभी कॉल नहीं किया. तो इनका शाम को टाइम से फ़ोन आया मेरे पास 8:30 बजे के आसपास, और मैं लैंडलाइन के आगे ही बैठा हुआ था. तो उस दौरान बात होती थी नॉर्मल, हाय क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, और स्कूल गए, स्कूल से आए टाइम से, जो भी बातें ऐसी होती नॉर्मल. फिर एक्चुअली क्या हुआ कि मैं बीच में वहाँ से फिर छोड़ के आ गया यहाँ पर जनकपुरी, वहाँ से घर सेल किया और यहाँ पर आए हम लोग जनकपुरी में. तो हमारे फिर एक्चुअली क्या होता था, एमटीएन होता था तो नंबर ट्रांसफ़र नहीं हुआ, सिर्फ फ़ोन वहाँ से काटा और यहाँ पर लगा लिया, नंबर तो चेंज ही हुआ यहाँ के हिसाब से. तो इसी बात एक बार कॉल किया था मैंने, एक बार रात में कॉल किया था तो तुम नहीं थे शायद, तो आपकी मदर ने फ़ोन उठाया था और मुझे पता भी नहीं चला उन्होंने फ़ोन उठाया. मैंने उनसे बोला, वो मुझसे बात कर रही थी, वो भी कितने पाक था. तो मैंने मतलब मैंने ये भी बोल रही थी कि आवाज़ आपकी चेंज लग रही है, तो उन्होंने बोला कि मैंने बर्फ़ ज़्यादा खा ली थी. मेरी मदर बोला उन्होंने मेरा गला ख़राब हो रहा है. तो उनसे ही मेरी बात हुई, इनको रात को समझ के मैं उनसे बात कर रही थी. मैं उनसे बोल भी रही आपकी वॉइस चेंज हो रही है, कह रही नहीं मेरा ना एक्चुअली गला ख़राब हो रहा है. मैंने कोई नहीं, पर उस रिसेंटली उस टाइम इतनी बात नहीं होती थी हाय हेलो, क्योंकि एक्चुअली मुझे बात करनी भी नहीं आती थी, क्योंकि मैंने मोबाइल में किसी से बात ही नहीं करी कभी कि कैसे बात करते हैं. एक 14 इयर्स की लड़की क्या बात करेगी, आप समझ सकते हो. बस फिर कुछ नहीं हुआ, फिर कहा था हमारा भी वहाँ से, मैं कहा था सन 2000 में वहाँ से निकल आया अपना, यहाँ पर हमने विजय के लिए मैं अपने अपना. और एक बात कि मुझे जो इन्होंने मुझे अपना लैंडलाइन नंबर दिया था वो मुझे आज तक याद है, पता नहीं क्यों याद है, बट अभी तक मुझे याद है 2482097. उस नंबर को मैं कभी नहीं भूली जिंदगी में, मैं याद भी नहीं करती उस नंबर को, बट वो है कि वो मेरे दिमाग में ऐसा सेट है कि मैं उसको आज तक नहीं भूली. एक ही बार इन्होंने मुझे शादी हो गई यार नंबर दिया, वो दिमाग से ही नहीं गया नंबर अभी तक. इनको याद नहीं है अपना मोबाइल वो लैंडलाइन नंबर, मुझे याद है. राज, ज्योति को बॉडी बिल्डिंग में आप लाए कि वो खुद आए? मैं रात को घर पे आया तो ज्योति ने मुझसे एक सवाल किया कि क्या मैं बॉडी बिल्डिंग कर सकती हूँ. तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, कह रही नहीं, कह रही मुझे ना फिट होना है. इसी बात को 2-3 दिन हो गए मैंने गौर भी नहीं किया. मैंने यार एक नॉर्मल हाउसवाइफ होती है, बोलती है कि मुझे करना है, दूसरों को देख के एक वुमेन होता है कि यार ये फिट है, मैं मुझे ही फिट होना है. तो मुझे लगा कि यार ऐसे ही होगा नॉर्मल. 3-4 दिन बीत गए
चार दिन बीतने वाले थे, दोबारा कहा कि आपने बताया नहीं मुझे। तो मैंने मुझे क्या बताना है, कह रहे कि मैंने कहा था मुझे फिट होना है। तो मैंने इससे यही बात बोली, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, कह रहे मुझे वर्कआउट बताओ। मैंने ठीक है तू घर में वर्कआउट कर, कोई बात नहीं। मैंने ऐसे घर में फंक्शनल का होता है आपका एरोबिक, तीन चार चीज़ें बताई मैंने, ये चीज़ करनी है करो। अब इस बात को 1.5 से 2 महीने निकल गए भाई, मैं रिपोर्ट लेता था अपने छोटे वाले भाई से, मैंने यार वर्कआउट करती है, कह रहे भाई तेरे जाते ही करती है जाके वर्कआउट, 1-1.5 घंटे लगी हुई है। मैं चलो यही लगा था मैं कुछ करूँगी ही नहीं, मैंने नॉर्मली होता है यार, यार मेरी जगह अगर कोई और भी होगा तो वो ये बात सोचेगा हस्बैंड कि यार ठीक है हाउस वाइफ है क्या करेगी, कुछ समय करेंगी छोड़ देगी मन भर जाएगा जो भी है। लेकिन अभी मैंने यार नहीं, मैंने मुश्किल है। फिर जब 1.5 से 2 महीने हुए, इन्होंने मैडम ने रिजल्ट दिया मुझे, इन्होंने अपना बॉडी वेट फिर अब डाइट से और आपका क्या कहना है वर्कआउट से कम से 3 से 4 किलो डाउन किया। और फर्स्ट जब मैंने उन्हें बोला, मैंने देखो अगर आपको कुछ करना है आगे तो आपको रेड चिली गरम मसाला छोड़ना पड़ेगा, तो पहले तो ये सोचने लग गई। तो उसके बाद बोला चलो ठीक है मैं छोड़ दूँगी। तो मुझे लगा यार जो रेड चिली इतना खाती है उसके बाद ग्रीन चिली भी खाती है, उसके बाद गर्म मसाला भी खाती है, मैंने यार कहाँ छोड़ेगी यार ये, मैं नहीं छोड़ सकती। मैं ठीक 2 महीने हो चुके थे गर्म मसाला बंद, घर के अंदर ही नहीं आया, रेड चिली जो थी सब ख़त्म क्लियर हो गए। इसी ने मुझे मजबूर किया कि मैं इसे जिम में लेके आया। उस टाइम तक फल पक चुका था, बस ये था कि वर्कआउट मुझे घर जिम में जाके बताना था कि ये करो। यहाँ तक कि मुझे इतना क्रेज़ था वर्कआउट को लेके, मेरा फास्ट था मैं फिर भी फास्ट को मैंने फास्ट अपना तोड़ा, पूजा करी, यहाँ तक कि मैंने कुछ लिखाया नहीं था बट मैंने पहले वर्कआउट किया उसके बाद जाके मैंने अपना खाना फास्ट का खाया। तो इसलिए मैंने कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं पता था कि मैं इतना मेरे में इतना जुनून कैसे आ गया कि मुझे कुछ करना है करके दिखाना है। शायद ये था कि एक लाइफ में था कि जब मैं स्कूल टाइम में थी तब था मेरे अंदर कि मुझे एक फिटनेस मॉडल उतरना है। उस टाइम जो स्टूडेंट थे मेरे साथ के, जो मेरे स्टूडेंट क्लास में थे, वो शायद मेरा उस टाइम मजाक उड़ाते थे कि आप मॉडलिंग करोगे ये मेरी विश थी। मैंने कहा ये जो मेरे अंदर है ये वो मैंने लिखा है कि मुझे एक मॉडलिंग करनी है, बट मुझे ये नहीं पता कि मैं इस लाइन में इस तरीके से फिटनेस मॉडल में आऊँगी। इसीलिए वो जुनून और बढ़ता जा रहा है, मैं चाहती हूँ वो मैं उसको एक अच्छे लेवल पर लेके जाऊँ ताकि मेरे हस्बैंड नाज करें, मेरे बच्चे मुझे बोलें कि हाँ हमारी मदर है, मदर ने बहुत किया। मुझे पता है जो मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु मेरे हस्बैंड हैं राज कनौजिया, उनके अलावा मेरा गुरु कोई और हो भी नहीं सकता और ना कभी होगा। तो ज्योति, फीमेल बॉडी बिल्डिंग में सबसे बड़े चैलेंजेस क्या आते हैं? फीमेल बॉडी बिल्डिंग में सर सॉरी चेंजेस ये आते हैं, हम जब प्रिपरेशन करते हैं तो एक चिड़चिड़ापन होता है दोनों हस्बैंड वाइफ के दोनों को ही होता है कि मेल और फीमेल जो भी है एटलीस्ट जो प्रिपरेशन करते हैं सबको ही। जब हम लोग वर्कआउट करते हैं पता है कि पानी नहीं होता बॉडी में, इंटैक्ट पानी हम कम रखते हैं और डाइट भी हिसाब से होती है, सॉल्ट नहीं होता बॉडी में, तो इसलिए प्रिपरेशन करते टाइम चिड़चिड़ापन होता ही है। हम वही है कि एक दूसरे को हमें अग्रेशन कंट्रोल करना होता है, फिर भी हम लोग एक जना बोलते हैं करते हैं, कभी कभार होता है फिर भी हम दोनों लोग ये कंट्रोल करती है। जब ये अग्रेशन में होती है मैं चुप हो जाता हूँ, दोनों कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे फ्लोर में भी झगड़ा हो जाता है, फ्लोर पे आपस में होते हैं तो जैसे कि अब ये कुछ गलतियाँ कर रही है। तो एक्चुअली ये वर्कआउट के टाइम पे कहा था मेरे से पीटी भी है, मैं पीछे डंडा लेके भी खड़ा हूँ, तो एक्चुअली कोई चीज़ तो नहीं आ रही है करने, तो मैं उसको कह रहा हूँ कि नहीं ये होगा कैसे नहीं होगा, तो ये कहती थी कि पहले मुझे पुशअप्स मारने भी नहीं आते थे, कोशिश करती हूँ। तो मैंने नहीं करे, मैंने कोशिश नहीं करना है। तो एक्चुअली पुशअप्स का तो चलो यार चलो हो ही जाता है धीरे धीरे, क्योंकि जब आपके हाथों में जान आएगी तब आप पुश करोगे तब आप अप करोगे। मगर जब ये पुशअप से पहले ये चिनअप मारना सीख गई थी, चिनअप्स ये ऐसे मारती थी कि बस ये एक नॉर्मल लड़का भी नहीं मार सकता, तो मुझे बड़ी खुशी होती थी कि यार मैंने यार चल पुशअप आज ये है कि हाँ चलो अब तो अलग चीज़ है कि ये पुशअप्स भी मारती है, चिनअप से एक बारी में 20 से 25 रेपिटेशन निकालती है आराम से, जैसे कि कुछ है ही नहीं, और पुशअप्स भी ऐसे ही है एक बारी में निकाल लेती है 30-40 रेप निकालती है। मगर खुशी अंदर से होती है मगर सेटिस्फेक्शन नहीं होता, मैं कहता हूँ नहीं यार अभी और होगा, अभी और करेगी। अभी ज्योति आप बता रहे थे कि जब आप बैंकॉक खेलने गए थे तो कुछ चैलेंजेस आए थे? हाँ बिल्कुल, जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे अपने जाने की, बहुत से ऐसे आए कि हम लोग
मना करते गए, हम लोगों ने सर को बोला कि हमें खेलना कंपटीशन थाईलैंड जाके, मिस एशिया और मिस्टर एशिया था कंपटीशन, हम उसकी प्रिपरेशन में लग गए दोनों जने। एक्चुअली उस टाइम क्या हुआ था, उस टाइम ये हुआ था कि जैसे कि मैंने एशिया के फॉर्म भर दिए थे और मैं अमाउंट भर के आ गया था, तो इनका डिसाइड नहीं हो रहा था जाने का कि ये जाएगी नहीं जाएगी। उस टाइम ये होता कि भाई कि नहीं, तो इसने क्या किया कि इसने ह्यूमन इंडिया खेला कॉम्पिटिशन, उसमें गोल्ड मेडल माना। तो फिर मैंने वहाँ पे जाके सर से बोला, अनाउंसमेंट करवाई मैंने, सर मेरी वाइफ भी एशिया खेलने जाएगी, और कहते हैं वो भी खेलना, उससे भी खेलना है एशिया। तो कह रहे कि कोई मैंने जा सकती है खेलने, कह रहे क्यों नहीं जा सकती। तो मैंने ठीक है, उन्होंने फिर स्टेज पर अनाउंसमेंट कर दी कि अब ज्योति कनौजिया नेक्स्ट मिस एशिया खेलने जाएंगी, दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में जाएंगे। तो मुझे नहीं पता था कि मैं उस टाइम अमाउंट कैसे इकट्ठे करूँगा, क्या करूँगा। बस हुआ कि मैंने यार अगर मैं उस टाइम इसे रोक दिया तो मैंने फिर इसके साथ नाइंसाफ़ी होगी। हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया इस चीज़ के लिए, हम लोगों ने क्या करा, मैंने इनको मना भी किया था मैं नहीं जाऊँगी, इन्होंने कहा नहीं आप जाओगे, चाहे मैं ना जाऊँ पर मैं आपको ज़रूर भेजूँगा उसके लिए। पर मैंने फिर भी इनको मना करा कि नहीं मैं नहीं जाऊँ, क्योंकि सर हम लोग ये प्रॉब्लम है पैसों से ही हर चीज़ की प्रॉब्लम होती है। इन लोगों इन्होंने क्या करा, इन्होंने मेरे लिए ब्याज पे पैसा लेके तब हम लोग इस तरीके से गए। हम लोगों ने अभी तक इतनी इतने स्ट्रगल करें पर हमने आज तक भी इंटरेस्ट में पैसा कभी नहीं लिया। मैंने लास्ट टाइम पे ही मना किया नहीं, यहाँ तक कि भूपेंद्र शर्मा सर को मैंने खुद कॉल किया था, मैंने कहा सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मनी को लेके प्रॉब्लम हो रही है तो मैं नहीं जा पाऊँगी। सर ने कहा नहीं बेटा आप ऐसा करो, कितने पैसे हुए आपसे? मैंने कहा सर 25,000 की कमी पड़ रही है। तो सर ने ये कहा कि ज्योति मैं भरता हूँ आपके पैसे, आप चलो, आप एक अच्छे प्लेयर आप खेलो। मैंने कहा नहीं सर नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने कहा सर अदर खर्चे भी होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही खर्चा है। सर कह रहे बेटा मुझे पता है आप कर सकते हो, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ आप चलो। सर ने यहाँ तक कि मुझे ये बोला कि मैं आपके 25,000 भर देता हूँ आप चलो। तो मैंने कहा सर मैं आपको सोच के बताती हूँ क्या होता है। फिर वही हम पे डिस्कशन चलता रहा, आज भी हम उसको उसके पैसे अपनी सैलरी से कटा रहे हैं किस्तों में, क्योंकि हमने उस टाइम बैंक से लोन लिया था ब्याज पे, वो हम दोनों जने से लोन भी लिया आपका। यानी कि सर आप यकीन नहीं मानेंगे कि हम लोगों ने इतना कुछ किया, हमने कहा था मैंने नहीं सोचा कि आगे क्या होना है। आज भी हम लोन भर रहे हैं, हमारी किस्त जा रही है 5,057 रुपये की किस्त जा रही है मंथली का है। तो मैंने वहाँ से लोन लिया और आपका मैंने कहते हैं ब्याज पे वैसे पैसे लिए लड़कों से उठाए, और आप यकीन नहीं मानोगे 3,000 रुपये महीने पे पैसे उठाए, 30,000 रुपये लिए थे और वो 30,000 रुपये वहीं खड़े थे और 3,000 मुझे महीना भरना था। मगर खैर वो तो खैर मैंने जैसे तैसे करके मैंने वो कटाए, फिर बैंक का लोन रह गया, बस बैंक का लोन अभी हमारा 7-8 महीने का रह गया। तो बस कर रहे हैं कि हो रहा है, और उसके बाद भी अभी हम दोबारा प्रिपरेशन कर रहे हैं और दोबारा और। मगर ये तो नहीं सर कि एक भगवान हमारी मदर ने हमें एक ही बात सिखाई है कि आप अगर अपना दिल साफ रखोगे सब कुछ साफ होगा, सब 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 सही होगा। और अगर कहता है अगर आप दिल साफ नहीं है आपका तो कुछ भी नहीं होगा, आपका अगर मन ही मैला है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो बस हमारे शायद फादर के और हमारी मदर के संस्कार हमारे अंदर है। और एक्चुअली मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि मेरी वाइफ मेरे साथ है और मेरा बहुत कोऑपरेट करती है, वो तो बॉडी बिल्डर अब बनी है। ये तो पहले तो बेचारी मेरे लिए सुबह 4:30 बजे उठती थी, पूरा मील बनाती थी मेरा, आज भी करती है, आज भी यही हाल है, सुबह 4:30 बजे उठना, मेरा मील बनाना और अपना मील बनाना और बच्चों के लिए खाना बनाना, उसके बाद 6 बजे जिम के अंदर जाना और 6 बजे से 10 बजे तक कहते हैं फ्लोर 11 बजे तक खड़े रहना फ्लोर के ऊपर 6 से 11 5 घंटे। उसके बाद मैं पहुँचता हूँ अपना पीटी करके और फिर मैं फिर हम लोग जाके 3 घंटे वर्कआउट कर रहे हैं, फिर शाम को 5 से 10 की ड्यूटी करनी है, फिर आना है। तो इतनी हार्ड वर्क वुमेन मुझे तो क्या पता नहीं, किसी को भी शायद मिलना मुश्किल ही है। क्योंकि हमारे जिम के अंदर तो यही होता है कि सारे ये बोलते हैं कि भाई कि ज्योति कनौजी के बाद लड़की बनाना लग रहा भगवान ने बंद कर दिया, कह रहा है क्योंकि ऐसी हार्ड वर्क वुमेन किसी को नहीं मिलेगी, कर रहे हैं। मगर ठीक है मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, बस मैं मुझे लगता है कि पता जो इन्होंने मेरे लिए मिलेगी नहीं मिलेगी पता नहीं है, जो इन्होंने मेरे लिए किया है शायद ही वो कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए करें। हर कोई ये नहीं चाहता कि उसकी वाइफ भी उसके साथ चले, बट जो मैं तो सल्यूट करती हूँ ऐसे हस्बैंड को जो इन्होंने मेरे लिए कर दिया, वो कोई और नहीं कर पाएगा। मुश्किल ही हो शायद कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए ऐसा करे। तो एक बात बताओ ज्योति मुझे, ए राज आप बताओ कि जब हम साइकिल पे होते हैं या फिर हम तैयारी कर रहे होते हैं तो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते होंगे, ठीक है, उनमें क्या चीज बहुत जरूरी है ध्यान रखना
एक मेल के लिए और एक फीमेल के लिए, और आप उन चीज़ों को कैसे बैलेंस करते हैं? अब इसके अंदर ज्योति के अंदर क्या होता है, हार्मोन्स चेंज हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं चेंज हुए, कि जैसे कि थोड़े देर का नहीं बात करने का जो वॉइस है, वॉइस में फ़र्क आया, थोड़ा वॉइस भारी हो गई, एक्चुअली ये ज़्यादा थोड़े तेज चिल्ला के बोलती है, या किसी से बात करते लगता है कि एक आदमी टाइप का बात कर रहा है, या यानी कोई मेल बात कर रहा है फ़ोन पे। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं वॉइस के लिए, तो आज भी मैं मोबाइल जब फ़ोन आता है कोई, मैं कॉल उठाती हूँ तो ये लगता नहीं उन लोगों को कि कोई फीमेल बात कर रही है, लोग बोलते बहुत से लोग बोलते हैं। तो आपको कैसा लगता है जब लोग ऐसा बोलते हैं? पहले थोड़ा एम्बैरेसिंग लगता था, बट हाँ मैं थोड़ा मुझे अवॉइड में ये अवॉइड करती थी बहुत, फोन भी उठाना। फिर मैं बोलता था कि मैंने यार ये बता, मैंने तेरा हस्बैंड कौन है, अरे आप हो, तो मैंने कहा जब मुझे बुरा नहीं लग रहा है तो तुझे बुरा क्यों लग रहा है यार। बट फिर मैंने कोशिश की, मैं जब इन्होंने मुझे समझाया कि नहीं ज्योति, मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, ये मेरा सपना है, मुझे पता था इन्होंने हालांकि मुझे ये सब चीज़ बताया था कि ज्योति ये हार्मोन्स के चेंजेस होंगे, होता है जैसे वॉइस की सबसे फर्स्ट था कि आपकी वॉइस चेंज हो जाएगी, वॉइस हैवी हो जाएगी। मैंने कहा कोई नहीं ठीक है, पर जब मुझे फील हुआ कि मुझे लगा कि हम इससे जब लोग बात करते हैं, लोगों ने मुझे बहुत से बोला जब उस टाइम, मुझे बहुत लगता था फील हुआ, बट अब मुझे कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है जो मुझे अचीव करना है वो मैं करके रहूँगी, चाहे मेरी वॉइस चेंज हो चाहे अदर, बट ये है कि हाँ बहुत अच्छा है कि मुझे एक अचीवमेंट का मौका मिला है, मैं हमेशा ही आगे बढ़ूंगी। तो राज आजकल ना एक डेना करके एक टैबलेट है, ठीक है, उसको बहुत जबरदस्त इस्तेमाल उसका किया जा रहा है, काफी जगह तो ऐसा मल्टीविटामिन की तरह दी जाती है लड़कों को, आपका क्या सोचना है? देखिए सर, पहले तो पहली बात तो यह कि मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता ये चीज़ें, क्योंकि एक्चुअली मुझे पता उसके साइड इफेक्ट कितने। डेनावॉल बिल्कुल चीप स्टेरॉइड है और मैं सबसे घटिया मानता हूँ उसको, क्योंकि मेन उसका काम यही होता है बॉडी में वाटर भरना, और आपके जो हार्मोन्स है हार्मोन चेंज करता हो और एस्ट्रोजन बढ़ाता है और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं लगाते हैं बॉडी में, पहले एकदम से फुला देगा फिर पानी निकल जाता तो सूख जाता है बंदा, जो उसका नेचुरल वेट भी होता है वो भी चला जाता है। तो डेना मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता, मैं कहता हूँ भाई डेना से अच्छा है तो अपने डाइट प्लान अच्छा कर ले, खाना पीना अच्छा कर ले। पर्पस क्या होता है डेना का? डेना का सर मेन होता है कि पावर देना बॉडी में, कि बॉडी में आपको डेना ले ली, एक तो माइंड जो देखता है आपने जो बता दिया स्टूडेंट को, अगर मैंने स्टूडेंट को बता दिया भाई डेना खा ले बढ़िया हो जाएगा, डोले फूल जाएंगे, चेस्ट बन जाएगी, बढ़िया हो जाएगा, यानी कि पंप अच्छा आएगा तेरी बॉडी के अंदर, तो लोग सोचते हैं कि हाँ भाई ठीक है, थोड़ा सा हुआ बंदा लड़का पतला हुआ थोड़ा सा मोटा हुआ तो क्या, हाँ यार भैया सही कह रहे थे बॉडी बन रही है, ये नहीं पता है कि वो बॉडी के अंदर जाके क्या गोलमाल कर रहा है, आपका लीवर ख़राब कर रहा है, मेन तो आपका लीवर इतना सेंसिटिव होता है, ठीक है, डेना उसके अंदर जाके क्योंकि पहले जाके जब टैबलेट होती है वो जाती है लीवर के ऊपर ही, अगर और जो अगर हार्मफुल टैबलेट जैसे डेना हो गई आपका, दूसरा आपका सबसे घटिया जो केमिस्ट में मिलता है डेक्सोना, पहले तो डेक्सोना बिकती थी इतनी, आजकल डेक्सोना की जगह डेना हो गया, कि डेना बोल दे दो फूल जाएगा बंदा, हालांकि आजकल भी लोग क्या कहते हैं डेनावॉल की जगह डेक्सोना ही दे रहे हैं, डेक्सोना पीस पीस के दे रहे हैं, बच्चे खा भी रहे हैं और फूल रहे हैं, और जिन बच्चों को पता भी लग रहा है तब भी वो कह रहे हैं नहीं यार सस्ती है 2-3 रुपये का पत्ता आता है डेक्सोना खा लो, तो यही है डेक्सोना डेना का काम एक ही है, ज़्यादा कोई वो नहीं है फ़र्क, दोनों लीवर ही ख़राब करेंगी आपका, तो इसलिए मैं प्रेफर नहीं करता कि आप डेनावॉल लो। मैं सुबह 4:30-4 बजे उठती हूँ करीब, अपने बच्चों के लिए खाना बनाना, नाश्ता करना, अपनी डाइट, जिम जाना, 6 बजे मुझे ऑफिस में पहुँचना, जिम में पहुँचना होता है ताकि वहाँ मुझे ट्रेनिंग देनी थी 11 बजे तक, फिर अपना वर्कआउट होता है 3 बजे तक, मैं घर वापस आती हूँ, सिर्फ 1 घंटा होता है जिसमें मुझे अपने बेबीज़ के लिए खाना भी बनाना होता है शाम के लिए, जो उनके डाइट है उनकी प्रॉपर, अपनी भी डाइट, फिर शाम को 5 बजे मेरे जाना होता है दोबारा जिम, तो इस बीच मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, लोग ये सोचते हैं कि मैं घमंडी, मुझे उनसे बात करने का टाइम नहीं है, पर उन्हें नहीं पता कि मेरी लाइफ है बहुत चेंज हो चुकी है, ज्योति तो बात ही नहीं करती है, अब चेंज हो गई ज्योति, ज्योति ऊंची हो गई है, बॉडी बिल्डर बन गई है शायद, इसलिए इस वजह से नहीं बात करती। मैं आज भी बाहर निकलती हूँ तो इसी बीच लोग भी मुझे ऐसे बोलते हैं, देखते ही नहीं है लोग कि बात ही नहीं करेगी, तो देख के कोई फ़ायदा नहीं है उसको, जो मेरे साथ की फ्रेंड्स थी वो भी नहीं मेरे से बात करती है कि वो हमसे बात ही नहीं करती है तो मैं क्यों बात करूँ, एक्चुअली क्या है मेरा, यहाँ तक कि मुझे फ़ोन जो मैं यूज़ करती हूँ उसमें भी सिर्फ मैं अपने मैसेजेस देखती हूँ कि हाँ मेरे कोई काम का मैसेज आया कि मेरे कोई क्लाइंट्स मेरे स्टूडेंट हैं जिम के उनके मैसेज आए, सिर्फ यही चेक करने के लिए मैं उनके फ़ोन अटेंड करती हूँ, इतना ही टाइम मिलता है मुझे, और बस एक मेरा बेस्ट मोमेंट जो मेरा रहा है, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जो मैं थाईलैंड गई थी कॉम्पिटिशन में, मेरी मदर इन लॉ ने मेरी कॉस्ट्यूम तैयार की थी, वो
एक्चुअली हमारे मेरी जो हमने ऑनलाइन चेक किया था अपनी कॉस्ट्यूम बहुत ही कॉस्टली थी, 24,000 की थी, मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकती। तो मेरी मदर ने, हमने बिकनी ऑर्डर की थी वो मंगाई, उन्होंने खुद रात रात बैठ के चश्मा लगा के, मेरे पास टाइम नहीं था बिल्कुल भी उसको, उन्होंने एक एक मोती उसका पिरोया, वो पूरी मेरी कॉस्ट्यूम तैयार की, अब पूरी बिकनी फ्रेंची तक उन्होंने मेरी एक एक नग उसमें कैसे लगाया उन्होंने, वो खुद पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, उन्होंने रात रात बैठ के उसको पूरा कवर किया। मैंने उसमें एक भी मोती नहीं पिरोया, आज तक नहीं पिरोया। एक वो बस मोमेंट है जो ऐसा मैं कभी नहीं भूल सकती। उन्होंने मेरी दो ड्रेसेस मेरे लिए तैयार की थी थाईलैंड के लिए। लोग तारीफ भी कर रहे थे कि यार ये कहाँ से डिज़ाइन, कहाँ से डिज़ाइन की है। तो बड़ी खुशी मिलती है हमें बताने में कि नहीं यार हमारी मेरी मदर लॉ ने तैयार किया ये ड्रेस। तो सब हिल गए थे कि यार ये यार ऐसे तैयार किया है, किस तरह से किया है। सब शॉक रहे थे कि मदर इन लॉ ने, लोगों की सास कह रहे, लोगों की सास बोलती नहीं उनसे, बोलती नहीं, और आपके लिए फ्रेंची और बिकनी डिज़ाइन की उन्होंने। बहुत बड़ी बात है, इसलिए तो सब, मेरी मदर भी बहुत अच्छी हैं इस मामले में, ये कहती हैं कि ठीक है जो करो दिल से करो, कह रहा आगे बढ़ो दिल से कर, अब दुनिया की फिक्र नहीं करनी। कह रही कौन बोलेगा घर पे, मैं बोल रही हूँ, तेरा हस्बैंड बोल रहा है, उन्होंने मुझे हमेशा ही सपोर्ट किया है, कभी ये नहीं कहा। जब मुझे ज़रूरत थी कि मुझे जिम करना है, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी, वो भी जॉब करती थी मेरी मदर लो, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी कि कोई नहीं बेटा आपको बढ़ना है आगे बढ़ो, बच्चे मैं देख लूँगी घर में, वो घर में रहती हैं मदर इन लॉ मेरी, उन्होंने भी हमारे लिए अपनी जॉब छोड़ी कि बेटा चलो कोई नहीं आप आगे बढ़ो। मैंने कहा मम्मी मैं अपने पैरों में खड़ी हो जाऊँ, आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब से इनके फादर, मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर हुए हैं, जब से उन्होंने जॉब करी है, आज तक वो जॉब करती थी, बस जब से मैं 2 साल से जब से मैं जॉब कर रही हूँ, उनको मैंने जॉब नहीं करने दी। हम लोगों ने कहा नहीं मम्मी हम करेंगे अपने घर का जैसे भी करना है। ये जो ये वाले रियल इंस्टेंस है ना।